गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अम्बिशियस बाबा डॉट कॉम। वी आर बैक विद अ स्टैटिक जीके की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीक हमने यूपी के बारे में पढ़ा था और इस वीक हम पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में। ओके, ऑल्सो मैं आपको बताती चाहूँगी कि हमने मॉक रिलीज़ किया है हमारा, तो वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग के क्लर्क के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में और बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक पढ़ें। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि हमने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इसमें इस वीडियो में दी है ताकि आपको इधर उधर कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो स्क्रीन पर है ये राजस्थान का मैप है, जैसे आप देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि राजस्थान किससे किसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान अपनी बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में राजस्थान अपनी बॉर्डर शेयर करता है पंजाब एंड उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ, तीन स्टेट्स के साथ। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है। साउथ ईस्ट में वो मध्य प्रदेश के साथ शेयर करता है अपनी बॉर्डर, और साउथ वेस्ट में वो शेयर करता है गुजरात के साथ अपनी बॉर्डर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, तो चलिए जानते हैं राजस्थान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बाई एरिया इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, जिसकी एरिया है 342,239 स्क्वायर किलोमीटर्स। यस, लार्जेस्ट बाई एरिया है जो राजस्थान है। अगर आप उस अक्षर को दो हिस्सों में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसका मतलब है राजाओं का स्थान, यानी कि किंग्स लैंड या लैंड ऑफ किंग्स। ओके, और राजस्थान में एक विशेष बात है कि वहाँ पे हर जो सिटी है वो कलर कोडेड है, मतलब सब सिटी का एक अपना इम्पोर्टेंस है। कलर वो क्यों है वो नहीं पता, बट चलिए डिस्कस करते कुछ सिटीज़ के बारे में। जैसे जयपुर है पिंक कलर का, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। जोधपुर है ब्लू कलर का, झलावर है पर्पल कलर का, उदयपुर है वाइट कलर का, और जैसलमेर जो है वो है गोल्डन येलोइश कलर का। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो ओल्डेस्ट माउंटेन, इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है अरावली, वो रन करता है अक्रॉस राजस्थान फ्रॉम साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। इसे कहा जाता है कि शायद ये हिमालय से भी काफ़ी पुराना है। ओके, जो अरावली रेंज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट आबू, विच इज़ द ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान। इट इज़ लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 1722 मीटर्स अबव सी लेवल। मूविंग ऑन, तो चलिए जानते हैं, और माउंट आबू में बहुत सारी देखने की चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगी आगे। राजस्थान बहुत सारे रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स के लिए जाना जाता है, बहुत सारे मंदिर वगैरह है, जैसे कि एक है दिलवारा टेम्पल जो जैन धर्म वाले बहुत मानते हैं, वो है माउंट आबू में। वहाँ पे पुष्कर में ब्रह्मा जी का भी मंदिर है, और ऐसे कई सारे मंदिर हैं वहाँ पे, जैसे झुंझुनू में है रानी सती का मंदिर, और बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं वहाँ पे विच आर वेरी फेमस, और लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए। चलिए मूविंग ऑन कुछ और फैक्ट्स के ऊपर। जो थार डेजर्ट है वो उसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, और भारत का सबसे बड़ा और दुनिया में 18वें नंबर पर आता है वो रेगिस्तान। 60% इसका राजस्थान में है। मैं आपको बता दूं इसकी लगभग जो एरिया है वो है 120,000 स्क्वायर मीटर है, और जिसका 90% है भारत में और 10% है पाकिस्तान में, और 90% में से 60% है राजस्थान में। जो भानागढ़ फोर्ट है वो माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। जो ASI है यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने एक बोर्ड लगा रखा है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले वहाँ जाना मना है, लीगली प्रोहिबिटेड है वहाँ पे, और कोई जाएगा उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा। जो पुष्कर फेयर है, जो पुष्कर मेला है, वो बहुत ही मशहूर है वहाँ पर। वो लगभग 5 दिन के लिए होता है, और जहाँ पे एनिमल ट्रेड होता है, जैसे कि लोग अपने ऊँट घोड़े वगैरह वहाँ पे लेके आते हैं उन्हें तैयार करके, और वहाँ पे एनिमल ट्रेड होता है। ये लगभग अक्टूबर या नवंबर के महीने में होता है। अगर हिंदी कैलेंडर की माने तो कार्तिक पूर्णिमा के आसपास वो की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हिंदू माइथोलॉजी में। ओके,
मैंने आपको बताया वर्ल्ड फेमस है ये टेंपल जो है ब्रह्मा का। अभी तो एकमात्र टेंपल नहीं है बट सबसे ज्यादा फेमस अगर ब्रह्मा का टेंपल कहीं है तो वो है पुष्कर में। पुष्कर में काफी सारे घाट भी हैं जहाँ लोग नहाने आते हैं, अपने पाप धोने आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। स्माइलिंग बुद्धा, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक MEA का डेजिग्नेशन, पोखरान 1, मतलब वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हुए थे इन बोथ इन द ईयर 1974 एंड 1998, दो बार हुआ था। जो फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब वॉज टेस्टेड ऑन 18 मई 1974, वो राजस्थान में हुआ था। ओके और जो पोखरान 2 था वो फाइव न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट एक्सप्लोजन लाइक सीरीज ऑफ 5 के थे, 5 टेस्टिंग्स हुई थी। दैट वॉज इन द ईयर मई 1998, ये हुई थी अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट, जब अटल बिहारी जी वाजपेयी वहाँ के मतलब भारत के प्रधानमंत्री थे। तो उनकी नेतृत्व में हुआ था इन द ईयर 1998। अगर आपको इसके बारे में मोर डिटेल्स जाननी है तो एक मूवी आई थी पोखरान, आप उसे ज़रूर देखिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे ये प्लान हुए थे न्यूक्लियर टेस्ट और ये कैसे किया गया। बिकॉज मैं आपको बता दूँ डिटेल्स में, सॉरी, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी थी और इंडिया भारत मतलब पूरी दुनिया मानती थी कि भारत कभी भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मतलब टेस्ट नहीं कर सकेगा। बट दिस वॉज अ गेम चेंजर। इसको होने के बाद भारत पूरी दुनिया भारत की तरफ एक अलग ही तरीके से देखने लगी कि ये भारत भी केपेबल है। और ये पूरे अंडरकवर ऑपरेशन था, कोई भी कंट्रीज को भनक भी नहीं थी इसकी। ये बहुत अच्छी मूवी है, आप जरूर देखिए, आपको पूरी आइडिया हो जाएगी कि कैसे पोखरान टेस्ट वाज कैरिड आउट बाय इंडिया। ओके तो चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं अबाउट राजस्थान। राजस्थान का ब्रिटिश जमाने में नाम हुआ करता था राजपुताना, और उसमें 36 स्टेट्स हुआ करते थे और इनके जो हेड थे उनका नाम वो थे महाराजा ऑफ मेवाड़। आफ्टर इंडिपेंडेंस 23 प्रिंसली स्टेट्स को कंबाइन करके बनाया गया राजपुताना या फिर हमारा अपना राजस्थान। आप सभी जानते कि दुनिया में बहुत ज़्यादा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात होती है कि बहुत ही लंबी वो है दीवार है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो कुंभलगढ़ फोर्ट है उसकी दीवार सेकेंड लार्जेस्ट में आती है, जिसका है 36 किलोमीटर, जिसकी लेंथ है 36 किलोमीटर्स। यस, और पहली वुमेन मतलब पहली औरत जिसने एज अ CM वहाँ पे सर्व किया था उनका नाम था वसुंधरा राजे, फर्स्ट वुमेन CM। तो ये कुछ फैक्ट्स थे राजस्थान के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके तो चलिए बात करते हैं एक जनरल ओवरव्यू के बारे में। कैपिटल है राजस्थान का जयपुर, वो वहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के जो फर्स्ट CM थे उनका नाम था हीरा लाल शास्त्री। वहाँ के गवर्नर जो अभी प्रेजेंट है उनका नाम है कलराज मिश्रा। इस राजस्थान का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 को। इसका टोटल क्षेत्रफल है 342,239 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया लार्जेस्ट बाई एरिया। और जो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या है वो है 6,85,48,437, जो रैंक में आता है 7th नंबर पे। फर्स्ट में आता है यूपी विथ ऑलमोस्ट 20 करोड़ पीपल। लिटरेसी रेट है 66.1%। वहाँ की डेंसिटी है 20 पर स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 200 पर स्क्वायर किलोमीटर। सेक्स रेशियो यानी कि 1,000 आदमियों पे 928 औरतें हैं। 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान में
और हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है वो है राजस्थान हाई कोर्ट, जिसके चीफ जस्टिस का नाम है इंद्रजीत महंती। तो ये हो गया एक जनरल ओवरव्यू राजस्थान के बारे में। तो चलिए मूविंग ऑन, पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करते हैं। विधानसभा में राजस्थान से है 200 सीटें, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में है 25 सीटें और अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में है 10 सीटें। ऑलरेडी हमने इनके बारे में तो बात कर ही लिया है। ये सी वसुंधरा राजे हैं, ये इन्होंने 2003 से 2008 तक सर्व किया है एज द सीएम, और फिर इन्होंने सर्व किया था 2013 से 2018 तक। 2018 को वो हार गई थी टू अशोक गहलोत, इनका नाम है अशोक गहलोत, ये क्या कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, और वसुंधरा राजे जो है वो बीजेपी से बिलोंग करती है, और वो राइट नाउ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ बीजेपी की। ये हैं सचिन पायलट, ये हैं डेप्यूटी सीएम ऑफ राजस्थान। ओके, तो चलिए मूविंग ऑन, स्टेट सिंबल्स ऑफ राजस्थान के बारे में बात करते हैं। जो वहाँ का स्टेट एनिमल है उसका नाम है चिंकारा यानी कि ब्लैक बक। आपको याद होगा कि 1998 में जो हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने दो ब्लैक बक का शिकार किया था, जिसके कारण उन पर केस है, वो केस अभी भी चल रहा है उनके ऊपर। ओके, मूविंग ऑन, राजस्थान का जो स्टेट बर्ड है वो है इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान का स्टेट फ्लावर है उसका नाम है रोहिदा, और राजस्थान की स्टेट ट्री है उसका नाम है खेजरी या फिर लूम, उसका साइंटिफिक नेम है प्रोपसोसिस सिनेरेरिया। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहीं पे मिल जाएंगी, और ये राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है। अगर आप कैमल पे किसी को सवार करते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब वो राजस्थान, वो पिक्चर राजस्थान के बारे में डेपिक कर रहा है। ये मेनली होता है थार डेजर्ट में, वहाँ पे कैमल राइडिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बिफोर स्टार्टिंग विद द रिवर्स, मैं आपको बता दूं कि हमने हमारा एक मॉक टेस्ट रिलीज किया है, जिसमें 1000+ क्वेश्चंस, यानी कि टोटल में 10 मॉक्स हैं, ईच ऑफ 100 क्वेश्चंस, और दो लैंग्वेजेस में, लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, और वो आप ऐप से भी एक्सेस कर सकते हो और वेब से भी 24/7 एक्सेस कर सकते हैं। आप उसे प्लीज़ जाके परचेज कीजिए हमारी वेबसाइट से, test.ambitiousbaba.com। वहाँ पर जाकर आप उसे परचेज कर सकते हैं और वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, आपको बाकी सारे मॉक्स वगैरह भी मिलेंगे। अभी ईद के कारण डिस्काउंट है 25 तारीख तक, तो आप उसे प्लीज़ जाकर इसका फ़ायदा उठाए और 50% डिस्काउंट्स में वो मॉक आप वहाँ से परचेज कीजिए। एकदम लेटेस्ट मॉक है आपके सिलेबस के हिसाब से। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द रिवर्स। बहुत सारी नदियां हैं राजस्थान में, जैसे कि बानस, चंबल, लूनी, माही, पर्वती, साबरमती और साहिबी। लगभग 7 रिवर्स फ्लो कर रही हैं यहाँ से, इसके नाम यहीं पे आपको मिल जाएंगे। बांध वहाँ पे 3 बांध हैं, जैसे राणा प्रताप सागर डैम जो चंबल नदी पे है, माही बजाज सागर डैम जो कि माही रिवर पे है, और बिसलपुर डैम है जो कि है बनस रिवर पर है। ओके, तो चलिए बात करते हैं झील के बारे में। बहुत सारे झील है राजस्थान में, मैं आपको बता दूं, जो वहाँ का जो सिटी है उदयपुर, दैट इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स, या जिसे वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। आप तो सभी जानते हैं वेनिस के बारे में, वहाँ पर लोग जमीन पर नहीं, नाव में चलते हैं। वहाँ का मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज बोट्स, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ पानी है चारों तरफ, वैसे इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। बहुत सारे झील है मेनली उदयपुर सिटी में, और राजस्थान में भी कई सारे झील है, तो चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। वहाँ पर है अना सागर लेक, बलसमंद लेक, देवर लेक, जैसमंद लेक ही उदयपुर में है, जल महल, मानसागर लेक, कायलाना लेक, नक्की लेक, ये आपका है उदयपुर में। नक्की लेक इज इन, सॉरी, इट्स इन माउंट आबू। पुष्कर लेक वो है पुष्कर में, राजसमंद लेक है, रामगढ़ लेक है, तलवारा लेक है, संबल संबल रिसोर्ट लेक है, फतेह सागर लेक है, ये भी आपका फतेह सागर लेक है उदयपुर में, रंग सागर लेक है और उदय सागर लेक है। तो कई सारे लेक्स हैं यहाँ पे, मोस्टली उदयपुर में है और बाहर भी है। स्टेडियम वहाँ पर 2 हैं, एक है बरकतुल्ला खान स्टेडियम और एक है सवाई मानसिंह स्टेडियम। सवाई मानसिंह वहाँ के राजा थे, तो उनके नाम पे एक स्टेडियम, उनके नाम पे कई हॉस्पिटल्स भी है, जैसे वहाँ का बहुत ही फेमस ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, वो फेमस है ऑर्थोपेडिक के लिए।
तो चलिए मूविंग ऑन, बात करते हैं वहाँ के फोक डांस के ऊपर। राजस्थान का फेमस फोक डांस घूमर आप सभी जानते हैं, और पद्मावत अगर आपने मूवी देखी है तो आपने जरूर देखा होगा कि राजस्थान का घूमर कैसा होता है। बहुत ही फेमस डांस है, बहुत खूबसूरत लगता है। वहाँ का डांस फेमस है जो है चक्री डांस, गणगौर डांस, कालबेलिया डांस और तेरा ताली। कालबेलिया एक ट्राइब भी है और उनका एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म भी है। क्या क्या त्यौहार मनाए जाते हैं राजस्थान में, चलिए बात करते हैं। गणगौर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इसमें शिव पार्वती की पूजा होती है इस त्यौहार में। बूंदी फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। ब्रज महोत्सव मनाया जाता है और मत्स्य फेस्टिवल मनाया जाता है राजस्थान में काफ़ी धूमधाम से। तो चलिए बात करते हैं उद्यानों के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क। सरिस्का टाइगर रिजर्व है वहाँ पे। मैं आपको बता दूँ, एट द एज ऑफ सरिस्का टाइगर रिजर्व पे आता है भामागढ़ फोर्ट, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस। रणथंबोर नेशनल पार्क है वहाँ पर, मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है और केओला दियो घना नेशनल पार्क है। तो पांच नेशनल पार्क्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। ओके, तो चलिए मूविंग ऑन, बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आई थिंक मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं कुछ डिस्कस कर लेती हूँ, बाकी तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए, है बसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दरा नेशनल पार्क, केसरबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंटरनेशनल पार्क भी है, रणथंबोर नेशनल पार्क है, सवाई मान सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छपर सेंचुरी और वन विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सी काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिसके बारे में हमने आपको डिस्कस किया था। मॉक वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसका लोगो है, आप इसे क्लिक करेंगे तो यू कैन गो टू द वेबसाइट, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है test.ambitiousbaba.com, हम उसमें जाकर इसे ज़रूर चेकआउट करें और परचेज करें। 1000 MCQs है जिसमें 100 क्वेश्चन है ईच मॉक्स में, यानी कि टोटल 10 मॉक्स, और विद 100% आपको करेक्ट आंसर्स मिलेंगे वहाँ पर। इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा और आप उसे ऐप और वेबसाइट के थ्रू दोनों जगह से एक्सेस कर सकते हैं। अभी ईद का ऑफर चल रहा है, 50% डिस्काउंट है, तो प्लीज़ आप उसे जाकर पढ़िए, और इंडिविजुअल मॉक्स भी अवेलेबल है। तो चलिए मूविंग ऑन, तो चलिए बात करते हैं राजस्थान में क्या क्या पावर प्लांट्स है। थर्मल पावर प्लांट वहां पर दो है, एक का नाम है छबरा थर्मल पावर प्लांट और एक का नाम है कालीसिंध थर्मल पावर स्टेशन। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ही है, बांसवाड़ा पावर स्टेशन है जिसका नाम, और सोलर पावर प्लांट दो है, वेल्सपन एनर्जी 50 मेगावाट राजस्थान सोलर प्रोजेक्ट और एक है भदला सोलर पार्क। तो यस, ये सारे वहाँ पर सोलर पावर प्लांट्स हैं। तो चलिए मूविंग ऑन, कुछ और डिस्कस करते हैं हम लोग राजस्थान के बारे में। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी मूवीज राजस्थान में शूट हुई है, जैसे कि है हम साथ साथ हैं जिसमें कंट्रोवर्सी आई थी ऑफ हंटिंग ऑफ ब्लैक बक। पीके मूवी अगर आपने हाल ही में देखी होगी तो वो राजस्थान की शूटिंग है। पद्मावत राजस्थान की शूटिंग है, जो कि जो भी कंट्रोवर्सी में आई थी, बिकॉज उसमें कहा गया था कि जो रानी पद्मावती है उन्हें बैड लाइट में दिखाया गया, उन्हें देवी की तरह पूजता है, उन्हें देवी की तरह पूजा जाता है उनके समाज में, इसीलिए इसको लेके बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ था। और मूवीज़ लाइक रंग दे बसंती वो भी वहाँ पे शूट हुई थी। तो चलिए ये बात हो गई कौन कौन सी मूवीज़ के बारे में। उदयपुर तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, फिर आपको बताती हूँ कि इज़ अ सिटी ऑफ लेक्स, वहाँ पर बहुत कुछ है घूमने लायक, जैसे कि वहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर है, पिचोला लेक है, और बाकी सारे लेक्स तो हमने आपको बता ही दिए, जैसे फतेह सागर है, जैसमंद लेक्स है। जेम्स बॉन्ड की एक मूवी थी ऑक्टोपसी, उसमें ब्यूटी दिखाई गई है ऑफ उदयपुर, दिस वॉज अ मूवी बाई जेम्स बॉन्ड, तो ये बहुत ही सम्मान की बात है। ऑल्सो आपको पता ही है कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान, तो वहाँ पर जैसलमेर में पर्टिकुलरली 8 से 8, और जैसलमेर के आसपास के जो जगह है वहाँ पर 8 से 8 फोन लाइंस बंद रहती हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, यू कैन नॉट कॉल।
ओके तो चलिए। और माउंट आबू में मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत कुछ है देखने के लिए, हाईएस्ट हिल्स है वहाँ पर, सॉरी माउंट आबू तो एक द ओनली हिल स्टेशन है वहाँ पर देखने के लिए। अचलगढ़ फोर्ट है, दिलवाड़ा जैन टेम्पल है, नकी लेक है, ये तो हमने डिस्कस कर दिया है। मैं आपको बता दी सबसे खास बात है वहाँ की कोटा, जो वहाँ पे इट्स एन एजुकेशन हब है, वहाँ पे आईआईटी एस्पिरेंट्स आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया वहाँ पर पढ़ने के लिए। ये बहुत अच्छी क्लासेस होती है वहाँ पे, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो प्रिपेयर कराते हैं, मोस्ट फेमसली आर बंसल, रेजोनेंस, ये सब है वहाँ पे। कोटा फैक्ट्री बोल के एक टीवी सीरीज भी आई थी, इसी के ऊपर बेस्ड थी, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। आपको यू विल गेट अ स्नीक पीक ऑन द लाइफ ऑफ आईआईटी एस्पिरेंट्स। राजस्थान में तो चलिए बात करते हैं, राजस्थान में किस किस टाइप के क्रॉप्स होते हैं। बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं राजस्थान में, जैसे कि बार्ली होते हैं, गेहूं होता है, चना होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है। वहाँ का जो वहाँ पे फेमस है मकराना के मार्बल माइंस, जो मेन मार्बल सप्लाई करते हैं ऑल ओवर राजस्थान। अगर आप जाएंगे राजस्थान में तो आप देखेंगे बहुत सारे मार्बल के शॉप्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मकराना माइंस से ही आता है, सप्लाई होता है ऑल ओवर राजस्थान में मार्बल। और मैं आपको अब बता दूं वहाँ पर 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो कि 37 वर्ल्ड हेरिटेज कमीशन जो कंबोडिया में हुआ था उसमें डिस्कस हुए थे, मेनली चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंबोर, अंबर जो है वो है जयपुर में, और गगरों जो है वो है झलावर में। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जो कि जब कंबोडिया में उनकी हुई थी सेशन तब उसमें ये डिस्कस हुआ था। ओके आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट राजस्थान जो आपको जानना चाहिए। और यस सॉरी 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 टू फॉरगॉट, राजस्थान इज गिवन बर्थ टू अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, जो कि सिर्फ सिंगर या लेखक नहीं है, अपने अपने फील्ड्स में महारत जिन्होंने हासिल की है। जैसे उन्होंने, जिनका अभी अभी निधन हुआ है, इरफान खान को, वॉज फ्रॉम राजस्थान, जो बिजनेस टाइकून है घनश्याम दास जी बिरला, उनका जन्म राजस्थान में हुआ था। चंदा कोचर जो कि एक्स एमडी एंड सीईओ थी आईसीआईसी बैंक की, वो उनका शी बिलोंग्स टू राजस्थान। जो जगजीत सिंह है, जो बहुत ही फेमस गजल सिंगर है, वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राकेश झुनझुनवाला जो किंग ऑफ स्टॉक मार्केट, वो भी राजस्थान को बिलोंग करते हैं। ओके विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टूडेज क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मूविंग ऑन, जो मैंने आपको मॉक टेस्ट बताया था वो यहाँ पे उसका लिंक है, यू प्लीज़ विजिट दिस वेबसाइट test.ambitiousbaba.com। वहाँ पे आपको दो टाइप के मॉक्स मिल जाएंगे फॉर रेगुलर प्रैक्टिस, जैसे कि स्टैटिक जीके है जिसमें 10 मॉक रहेंगे 1000 क्वेश्चंस के, वो भी आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और इस ईयर हम करेंगे बैंकिंग और इंश्योरेंस के सारे एग्जाम के मॉक्स, ईयरली मॉक टेस्ट, ये एक पैकेज है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें 300 से प्लस टेस्ट रहेंगे। अभी ईद के ऑफर के कारण ये सब 50% डिस्काउंट पे है, तो 200 रुपीज़ में आप पूरे साल मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड डील। 25 मई इज द लास्ट डे फॉर रजिस्टरिंग फॉर दीज मॉक्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, तो आप इसे प्लीज जरूर परचेज कीजिए हमारी वेबसाइट test.ambitiousbaba.com से। और ये हमारा एक ऐप है करंट अफेयर्स का, आप इसे प्लीज डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे आपको सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। हम जो पढ़ाते हैं उसके अलावा भी आपको डेली के न्यूज मिलेंगे, डेली एंड मंथली क्विजेस भी मिलेंगे, ताकि आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑल्सो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स है वो आपको इसमें मिल जाएंगे, आपको हर एक वेबसाइट को स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज प्ले स्टोर से इस ऐप को आप जरूर डाउनलोड करें। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे। फ्रेंड्स ये हमारी फैकल्टी, ये टीम है हमारी फैकल्टी की, जिसमें हम लोग सब अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं।
जैसे सुमित सर है वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उन्हें 12 साल का एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में, तो अगर आपको इंग्लिश की कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको बेसिक से समझना हो तो आप प्लीज़ प्लीज़ सुमित सर के वीडियोस को देखें, वो बहुत ही बेहतरीन वे में समझाते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मूविंग ऑन टू गणेश सर, वो क्वांट के हमारे फैकल्टी है, उन्हें भी 12 साल का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। वो आपको कोई भी सम पूरे डिटेल्स में बताएंगे और उसके बाद वो आपको बताएंगे कि उसको शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे सॉल्व किया जाए विद अ लॉट ऑफ ट्रिक्स, क्योंकि उनका मानना है कि अगर 45 सेकेंड से ज़्यादा आपको कोई सम में लग रहा है टाइम, तो इसका मतलब यू आर नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स। और ये जो हमारे स्पेशल फैकल्टी है, इन्हें 15 साल का एक्सपीरियंस है, ये फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाते हैं आपके लिए, ताकि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल सके उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या उस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में। तो प्लीज़ आप